अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज आपके लिए जो एक न्यू एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर हैं कि आप उर्दू पोएट्री वाली वीडियोस किस तरीके से बना सकते हैं कैपकट ऐप में। बहुत सारे दोस्त हमसे ये सवाल करते हैं कि कैपकट के ऊपर जो है ट्यूटोरियल बनाएं उर्दू पोएट्री वाले, तो आज एक न्यू एडिटिंग के साथ हम आए। तो सबसे पहले जो है आपने कैपकट को ओपन कर लेना है, तो हम कैपकट को ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने ये न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट में आना है और यहाँ से जो है ना आपने फोटो में आना है और अपनी मर्जी का कोई फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से जो है अपना कोई एक फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने एक फोटो सिलेक्ट किया है, उसके बाद करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद देखें ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फोटो आ चुका है। अब ये नीचे जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इन ऑप्शन में आपने आ जाना है आगे। आगे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। तो आपने फॉर्मेट के ऑप्शन में आना है। यहाँ से जो है ना आपके पास बहुत सारे रेशोज आ जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इस वक्त जो है टिकटॉक वाला या रील्स वाला जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये है 9:16, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हमने दो फिंगर के साथ जो है ना अपनी इस पिक को एडजस्ट कर लेना है अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से आप इसे कर लेंगे एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद जो है ना अब ये जो आपकी पिक है, फोटो है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करके ना इसको उतना ले जाना है, इसकी लेंथ उतना कर लेना है जितना आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो हम इस वक्त 14 से 15 सेकंड इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कहीं टच कर लेते हैं। अब देखें आपको जो है ना लास्ट में एक एंडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऊपर कैपकट का लोगो आ जाता है। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे ताकि हमारा वीडियो में ये लोगो ना आए। अब हम फिर वीडियो के आ जाएंगे स्टार्ट में, ठीक है। स्टार्ट में आने के बाद आपको जो है ना ऑप्शन नज़र आएगा ओवरले का, तो ये आपको ओवरले का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद ये है ऐड ओवरले, ऐड ओवरले में आना है। यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है, तो ये वीडियो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ले आएंगे। तो हमारे पास ये एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो आ चुकी है, स्टार्स वाली, बहुत ही प्यारी सी वीडियो है। आपने दो फिंगर के साथ इसे एडजस्ट करना है और इस तरीके से बड़ा कर लेना, ठीक है। और बड़ा करके नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, इसका साइज़ और भी बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसे एडजस्ट करने के बाद आपको जो है ना ये सप्लाइज का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने सप्लाइज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इन ऑप्शन में आगे आएंगे। आगे आपको लाइटन नज़र आ रहा है, तो आप कर देंगे लाइटन। लाइटन करते इसका ब्लैक हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कर देंगे ओके। ओके करने के बाद देखें हमारी वीडियो किस तरीके से अब लग रही है। तो देखें एक अमेजिंग से जो है ना हमारा ये इफ़ेक्ट इसमें आ चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ और इफ़ेक्ट डालते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताती हैं। तो आपने यहाँ से बैक आना है, फिर ये ऐड ओवरले है, आपने ऐड ओवरले में आना है। यहाँ पे हमारे पास एक और वीडियो है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना और सिलेक्ट करके ले आना है। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और कर देंगे ऐड। तो हम एक और ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट ले आए हैं। सबसे पहले आपने फिंगर के साथ इसे बड़ा करना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं, संभाल रखना हो संभाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपने इसे नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है। उसके बाद जो है ना आपने सबसे पहले जो है इसका ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आना है और इसका वॉल्यूम ऑफ कर देना है। जितने भी आप यहाँ पे इफेक्ट लगाएंगे उनका वॉल्यूम ऑफ कर देना है, ताकि हम जो ऊपर राइट करें या जो कुछ लिखें तो उनमें ये इनका जो म्यूज़िक होता है वो ना आए। तो उसके बाद ओके करेंगे, फिर आपको ये सप्लाइज का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने सप्लाइज में आना है, सप्लाइज में आने के बाद जो है ना आपको ये नज़र आ रहा है लाइटन, तो आप ये यहाँ से कर देंगे लाइटन। लाइटन करते ही इसका जो है ना ब्लैक हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। तो लाइटन करने के बाद आप इसे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद ये भी हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब हम यहाँ से बैक आएंगे, फिर जो है ना यहाँ पे ये ऐड ओवरले है, ऐड ओवरले में आएंगे और यहाँ पे जो है ना हम अपनी एक और ब्लैक स्क्रीन जो है ना पोएट्री सिलेक्ट करके ले आएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है ना कोई भी ब्लैक स्क्रीन पोएट्री सिलेक्ट करके ले आता हूँ। तो ये हमारी एक ब्लैक स्क्रीन पोएट्री है, इसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ चुके हैं। अब इसे जो है ना हम इस तरीके से साइज में बड़ा करके यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब फिर ये सप्लाइज का ऑप्शन है, आप सप्लाइज में आएंगे और यहाँ से भी इसे आपने कर देना है लाइटन। लाइटन करने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हम चला कर देखते हैं, तो देखें इस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है। अब इसे जो है ना आपने सेटिंग करना हो, यानी कि नीचे थोड़ा सा एडजस्ट करना हो, तो आप फिंगर के साथ सेट करके इसे यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो के स्टार्ट में आ जाएंगे और फिर कर देंगे यहाँ से बैक। बैक आने के बाद ये ऐड ओवरले है, ऐड ओवरले में आएंगे, फिर यहाँ पे आप फोटोज़ में आ जाएंगे और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आपको एक लिंक दे दूँगा बैकग्राउंड बॉर्डर का, तो वो आपने सेलेक्ट करके ले आना है। तो मैं ये सिलेक्ट करके अभी ले आता हूँ। तो देखें ये हम एक वाइट बॉर्डर सेलेक्ट करके लिए हैं। दो फिंगर के साथ आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर इसे एडजस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे एडजस्ट करने के बाद जो है ना आपने सबसे पहले इसका लेयर भी इस तरीके से जहाँ तक आपने वीडियो बनानी है उतना सेलेक्ट करके ले आना है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो बनेगी, इसे हम सिलेक्ट करके ले आए। उसके बाद आप यही सप्लाइज के ऑप्शन में आएंगे और फिर यहाँ से आपने इसे कर देना है लाइटन। लाइटन करने के बाद करते हैं ओके। ओके करने के बाद हम वीडियो के आ जाते हैं स्टार्ट। अब हम इसे चला के देखते हैं, तो देखें एक अमेजिंग सा जो है हमारा पोएट्री वीडियो एडिटिंग हो चुका है।
अब हम इसे करेंगे सेव, तो पर सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन में जाएंगे और कर लेंगे सेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।